नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत के बाद महिला T20 विश्व कप में अब उनका मुकाबला 15 फरवरी यानी आज शाम को वेस्ट इंडीज के साथ होगा। इसी के साथ भारतीय टीम अपने आखिरी ओवरों की गेंदबाजी में सुधार करने की कोई कोशिश करेगी। हालांकि उपकप्तान स्मृति मंथाना के बिना भारतीय बल्लेबाजों ने T20 विश्व कप में सबसे बड़े लक्ष्य का सफलतापूर्व पीछा किया था। स्मृति मंथाना उंगली की चोट के कारण पाकिस्तान के खिलाफ मैच में नहीं खेल पाई थी, लेकिन इस स्टार बल्लेबाज की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टीम में वापसी होने की अब संभावना हो गई है। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय गेंदबाजों ने आखिरी 10 ओवर में 91 रन लुटा दिए थे, जिसके बाद भारतीय टीम इस मामले में काफ़ी सुधार करना चाहेगी। हालांकि भारतीय टीम ने हाल ही में त्रिकोणीय सीरीज में वेस्ट इंडीज़ को 2 बार हरा दिया है। ऐसे में भारतीय गेंदबाजों को उनके बल्लेबाजों के बारे में अच्छे से पता है। गेंदबाजी के साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बल्लेबाजी में भी कई कमजोरियाँ देखी गई। युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने 18वें ओवर में 3 चौके लगाकर टीम को मुश्किल स्थितियों से बाहर निकाला था। अगर ऋचा घोष ने शानदार पारी न खेली होती तो इस जीत को हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता। इसके अलावा बड़े बड़े शॉट लगाने वाली युवा सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा भी क्रीज पर ज़्यादा देर नहीं टिकी थी, जिसके बाद जेमिमा रोड्रिग्स के दोबारा फॉर्म में वापसी से भारत ने राहत की सांस जरूर ली होगी। टीम में स्मृति मंथाना की वापसी से बल्लेबाजी क्रम को मजबूती जरूरी मिली है। वेस्टइंडीज की टीम टूर्नामेंट के अपने मैच में इंग्लैंड से हारने के बाद वापसी करने के लिए बेताब रहेगी। हेलो मैथ्यूज की कप्तानी वाली टीम अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। टीम के लगातार हार का सिलसिला पिछले 14 सालों से चलता आ रहा है। टीम को एक बार फिर से अपने कप्तान शानदार बल्लेबाजी की उम्मीद रहेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आज के मैच में स्मृति मंथाना कितने रन बना सकती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।